हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बेस्ट आईसी फॉर एम्पलीफायर्स। जिन लोगों को मालूम नहीं है कि क्या है एम्पलीफायर्स, एम्पलीफायर्स के क्लासेस क्या है, उसमें टेक्निकल डिफरेंस क्या रहता है सभी एम्पलीफायर्स के बीच में, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। ये जो आपको साइड में आई का आइकॉन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करने पर और डायरेक्टली वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जिसके जरिए वो वीडियो जो है पूरा देख लीजिए। उसके बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए तो काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल पाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ये एम्पलीफायर बनाने के लिए बेस्ट आईसी, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे जो यूज़र्स हैं, आप जैसे लोग हैं जो कुछ चीज़ें नई नई इन्वेंट करना बनाने के लिए बहुत मज़ा आता है आप लोगों को, करेक्ट। तो उसी का कारण है कि मैं आज आपको बताऊंगा कि एम्पलीफायर्स के लिए सबसे बढ़िया आईसी आपके लिए कौन सा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूँ दोस्तों, मेरा नाम है निकेत शाह। आप मुझसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के जुड़ सकते हो, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ये सब माध्यमों के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। याद रखें दोस्तों, ये मेरी चैनल एक्सक्लूसिवली इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए बेस्ड है। तो वीडियो अगर पसंद आता तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आए आपको उसका फटाफट अपडेट मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बेस्ट आईसी कौन सा है एम्पलीफायर के लिए, एम्पलीफायर बनाने के लिए सबसे पहला और बेस्ट आईसी माना जाता है वो कौन सा है? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं TB810। हालांकि ये बेस्ट आईसी तो आज की तारीख में नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक ज़माने में बहुत ही बेहतरीन आईसी में से एक था। अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेन ड्राइव का गाना वगैरह सुनने के लिए, करेक्ट। उसमें MP3 MP4 गाने हम लोग सुनते थे। उसके पहले हम लोग CDs या DVDs का प्रयोग करते थे गाने वगैरह सुनने के लिए। उससे भी पहले हम लोग कैसेट्स का प्रयोग करते थे, और उन कैसेट्स के अंदर जो साउंड निकलता था उसको एम्पलीफिकेशन करने के लिए ये वाला आईसी बहुत ज़्यादा फेमस था। TB810 जो है वो एक ज़माने में बहुत ही फेमस आईसी होने की वजह से मैंने यहाँ पे उसको शामिल किया गया। ये आउटपुट जो हमें देता है 7 वैट का आउटपुट देता है, और 6 से लेकर 20 वोल्ट की इसकी वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी है। 500 मिली एम्पियर्स पर ये आईसी काम करता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन आईसी में से एक था, बहुत ही सिंपल आईसी, बहुत ही सस्ता आईसी माना जाता है। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ PAM8403। ये रेडीमेड सर्किट ही मिल जाता है आजकल अमेज़ॉन या कहीं भी कोई ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आप जाओगे तो आपको एम्पलीफायर आईसी लिखोगे तो आपको ये मिल जाएगा रेडीमेड सर्किट। ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया सर्किट है। इसका रीज़न ये है कि ये पूरी सर्किट मौजूद रहती है इसमें। खाली आपको देखें यहाँ पे, जैसे मैंने सर्किट का डायग्राम बताया गया है, आपको यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी का कनेक्शन लगाना है, 5 वोल्ट सप्लाई देना है। इन शॉर्ट यहाँ पे राइट, लेफ्ट और मिडल वाला वायर जो है, ग्राउंड वाला वायर जो आपको मोबाइल में जाने वाला है, वो कनेक्टर है आपको यहाँ पे बिठा देना है। और 3-3 वैट के 2 स्पीकर ला दीजिए, आपका हो गया आपका स्पीकर रेडी। यानी आप मोबाइल से एक अच्छा क्या बोल सकते हैं, स्पीकर आप बना सकते हो, ओके, एम्पलीफाइंग स्पीकर आप डेवलप कर सकते हो मोबाइल से चलने वाला। तो ये क्लास डी एम्पलीफिकेशन के लिए काम करता है। 3 वैट का इसका सिस्टम था। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छी आपको मतलब सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, इतना अच्छा साउंड क्वालिटी है। प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इतने सस्ते में तो कुछ प्रोफेशनल मिलने वाला नहीं है, लेकिन ये भी नॉट बैड, ठीक है। इसमें लो नॉइस पास है, फिल्टर्स आउटपुट है, काफ़ी बढ़िया है, और PCB के साथ में ज़्यादातर ये अवेलेबल हो जाता है। तो आजकल जो लोग छोटे छोटे एम्पलीफायर्स मोबाइल से चलाने वाले अगर बनाना चाहते हैं तो लोग ज़्यादातर इसका ही प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, सोलर, इसके अलावा ऑटो कैट, एडवांस टैली, एडवांस एक्सेल, DTP, ग्राफिक डिज़ाइन, जैसे कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए। और भी बहुत सारे हम लोग नए नए कोर्सेज चालू करने वाले। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल आपको मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिया है इस पर केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो आपको पूरी जानकारी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ खाली व्हाट्सअप करिए, कॉल मत कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आईसी जो है वो काफ़ी अच्छा आईसी माना जाता है, TDA7388। हालांकि ये जो है क्लास AB का एम्पलीफिकेशन आईसी है। ये 25 वैट का जो है पावर कैरिंग कैपेसिटी, और ज़्यादातर जो इसका इस्तेमाल जो होता है गाड़ी के रेडियोज़ है, गाड़ी के सिस्टम्स है, उसके अंदर ज़्यादातर इसका प्रयोग होता है। आज की तारीख में भी कई सारी गाड़ी के जो स्टीरियो सिस्टम्स रहते हैं उसमें इसी टाइप की आईसी का या यही आईसी का आपको प्रयोग किया मिलेगा। याद रखिए TDA7388 बहुत ही फ्लेक्सिबल आईसी माना जाता है, 25 वैट का आईसी रहता है, जनरली 25 वैट उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। इसके बाद LA4440
बहुत फेमस आईसी, बहुत 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 अच्छी तरह से फेमस वाली आईसी, ये ड्यूअल चैनल आईसी है। इसके अंदर आप बात कर सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बताया गया, इसके अंदर खाली एक कैपेसिटर बैठा दीजिए, एक आप कनेक्टर बैठा दे जो कि डायरेक्टली आपके मोबाइल फ़ोन या कोई भी मतलब जैक आपका जो एम्पलीफायर रहेगा उसमें आप लगा दीजिए। उसके बाद में स्पीकर का कनेक्शंस भी आपको बताया, साथ ही साथ बैटरी का कनेक्शन भी बता दिया, बस इतना कनेक्शंस कर दीजिए आपका एम्पलीफायर जो है घर बैठे बैठे रेडी हो जाएगा LA4440 से। ये ड्यूअल चैनल आईसी जो है 6 वैट ईच का है, यानी कि लगभग 19 वैट का आपको आउटपुट मिल पाएगा। इसको ऑपरेटिंग वोल्टेज 20 से लेकर 26 वोल्ट के आसपास का इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज रहता है। इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, काफ़ी सारे प्रोटेक्शन इनबिल्ट इसमें फीचर दिया हुआ गया। और इसकी खासियत ऐसे है कि इसका बैलेंस जो है बहुत ही स्टेबल है, यानी कि ऑन ऑफ करते समय इसका जो बैलेंसिंग रहता है वो काफ़ी स्टेबल रहता है। इसके बाद अगला जो आईसी रहता है वो TDI2030 है, ये लो फ्रीक्वेंसी क्लास ए बी का ही आईसी है। क्लास ए बी जो रहता है थोड़ा सा प्रोफेशनल, थोड़ा सा अच्छा आईसी माना जाता है, क्लास माना जाता है, और उसी पे काम करने वाले आईसी जो है वो मैंने कैटेगरी में ज़्यादातर चुने गए हैं। तो क्लास ए बी के अंदर आने वाला ये बहुत ही बेहतरीन आईसी में से एक है। ये 20 वैट का आईसी है, उसका आउटपुट जो है 20 वैट, लगभग इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 6 वोल्ट से लेकर 36 वोल्ट तक के काम करते हैं। इसमें भी ओवर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जैसे कई सारे अवेलेबल प्रोटेक्शंस दिए गए। ये भी काफ़ी आसानी से आप घर बैठे बैठे इसके ऊपर एम्पलीफायर डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सर्किट बताया गया है, 35 वैट का है। जनरली यहाँ पे आप कनेक्टर बैठा दीजिए जो कि मोबाइल या कहीं पे भी आप उसको अटैच कर सकते हैं, बैटरी कनेक्टर कर लीजिए और स्पीकर कनेक्शन कर लीजिए। काफ़ी बढ़िया तरीके से आप छोटा सा एम्पलीफायर डिज़ाइन कर सकते हो इस आईसी की मदद से। इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा TDI2050 काफ़ी फेमस आईसी है। इसका मेन जो मकसद है या ये जो आईसी की खासियत है, ये भी क्लास ए बी पे ही काम करता है। इसको हाईफाई ऑडियो एम्पलीफायर्स आईसी में से एक माना जाता है। ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मैक्सिमम आउटपुट पावर देने की क्षमता रखता है। जनरली 32 वैट का पावर सप्लाई आउटपुट निकाल सकता है और इसको ऑपरेटिंग वोल्टेज 50 वोल्ट तक हो सकता है। ये 50 वोल्ट तक का है और जैसे मैंने बताया क्लास ए बी के ही अंदर काम करता है। और इसमें खासियत ऐसे इसका जो म्यूज़िक साउंड क्वालिटी आता ना वो काफ़ी बढ़िया आता है। इसके बाद LM3886 काफ़ी फेमस आईसी, बहुत ही बढ़िया आईसी में से एक, आजकल इसको लोग नंबर वन आईसी कहते हैं LM3886। काफ़ी सारे ब्रांडेड एम्पलीफायर्स में आप देखोगे तो यही आईसी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैंने इसको सेकंड लास्ट रखा है। इसका रीज़न ऐसा है कि ये 68 वैट का जो आउटपुट प्रोवाइड करता है हमें, काफ़ी अच्छा आउटपुट है 68 वैट, लेकिन इसके बाद वाला जो आईसी बताओ वो 100 वैट तक का आउटपुट सपोर्ट करेगा। इसके अंदर खासियत कैसे, इसका डिस्टॉर्शन रेट बहुत ही कम है, यानी कि आपको जो आवाज़ हर एक इंस्ट्रूमेंट का जो आवाज़ आपको सुनाई देगा इससे बहुत 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 सुंदर सुनाई देता है, बहुत ही अच्छी आपको आउटपुट मिल पाएगी। और इसके अंदर एक ही सेफ्टी प्रिकॉशंस के एरिया में थोड़ा बहुत ये लीकेज है, मतलब इतना भी ज़्यादा सिक्योर नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके बाद वाला आईसी इससे ज़्यादा सिक्योर, इसके बहुत ही अच्छा माना जाता है। TDA7294 ये वाली आईसी जो है ये भी हाईफाई एप्लीकेशंस के लिए काम करता है। इसमें 100 वैट ऑपरेशनल उसका वैटेज है, ये कितना था 68 वैट पे चलने वाला था और ये जो है 100 वैट पे चलने वाला आईसी है। इसका जो जनरली पावर सप्लाई 38 वोल्ट ड्यूअल पावर सप्लाई पे काम करता है। साथ ही साथ इसके अंदर प्रोटेक्शन जो है ऑटो शटडाउन का एक ऑप्शन है। इसमें कुछ भी होता है सर्किट में, कोई भी दिक्कत आती है तो आईसी जल्दी उड़ती नहीं है, ये जो है खुद को बंद करने की इसकी क्षमता रहती है, जबकि ये आईसी जो है वो उड़ जाती है। और हालांकि ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन खुद को मिल जाती है, लेकिन शॉर्ट सर्किट या ऐसे कोई मामले में खुद भी उड़ जाता है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन के मामले में थोड़ा सा कम है, लेकिन इसका प्रोटेक्शन के मामले में बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक नंबर पे मैंने डाला हुआ है। और साथ ही साथ ही 100 वैट पे चलने वाला है, इसलिए मुझे बहुत ही बेहतरीन आईसीज में से एक लगा। तो ये LM3886 और TDA7294 ये दोनों में अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है और ज़्यादातर लोग LM3886 से है। याद रखें कि जितनी भी आईसीज है, मतलब TDA2050, LM3886 और TDA7294, इनके लिए कुछ स्पेशल सर्किट्स के रिक्वायरमेंट रहते हैं, एक्सटर्नल कंपोनेंट के साथ में स्पेशल सर्किट आपको डिज़ाइन करनी पड़ती है, तभी एक अच्छा एम्पलीफायर आप डिज़ाइन कर पाते हैं। आप चाहे ये वीडियो अगर मेरा 50,000 व्यूज़ के ऊपर पार करता है तो मैं ज़रूर इन सब आईसीज में से कोई भी एक आईसी चुन के उसके ऊपर एक एम्पलीफायर सर्किट डिज़ाइन करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ ये नंबर पर मुझे व्हाट्सअप पर खाली मैसेज डाल दीजिए, तो मैं ज़रूर आपकी सहायता करूँगा। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, इस पर भी आप मेल कर सकते हो। चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पसंद आता तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग।